गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आज एक्सरसाइज 5.8 का लेक्चर नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 को कल बता चुके हैं और NCERT का जो 2 क्वेश्चन था उसको भी बता चुके हैं और उसके बेसिस पर रॉले थ्योरम था, रॉले थ्योरम के बेसिस पर 5 क्वेश्चन केसेस ना से दिए। ओके, तो अगर उस केसेस ना के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हो उसको भी बता देंगे और आज रॉले थ्योरम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का बीट प्रश्नवाली और उसके बाद हम 6 चैप्टर को पढ़ाएंगे। ओके, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, NCERT बुक का है, NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है जो 1-2 कल बता चुके हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन मिली है। ठीक है, तो बोला ये LF, इसको बोलते हैं मापांक का मॉडुलस, -5.5 एलिमेंट आर एक संतत फलन है। कौन फलन है? संतत फलन है। और यदि f'x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, f'x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f-5 नॉट इक्वल f5 के बराबर नहीं है। f प्रूव करके क्या करना है, देना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में बोल दिया कि f हमारे कहा संतत है, तो लिखेंगे फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एंड f(x) इस डिफरेंशियबल। देखिए, याद रखिएगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसको हम डिफरेंशियबल भी बोल सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंशियबल होता है उसको कंटिन्यूअस बोल भी सकते और नहीं भी, कभी सिचुएशन में आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। इसलिए पहला तो ये बोल दिया है कि जो कंटिन्यूअस है मतलब संतत फलन है। कौन फलन है? तो f संतत है तथा अवकलनीय भी है। f संतत भी है और क्या है? अवकलनीय भी है, क्योंकि जो फलन हम लोग का संतत होता है वो अवकलनीय भी होता है। तो वही लिखे हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल, मतलब दोनों होगा, क्योंकि अगर यही अगर डिफरेंशिएबल बोल दिया रहता तो हम कंटिन्यूअस के बारे में नहीं बोल सकते कि वो एक्यूरेटली जो होगा वो क्या कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल एकदम 100% है कि होगा। तो वही लिखे फर्स्ट कंडीशन में कि f(x) संतत है तथा अवकलनीय भी है, यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल, इंग्लिश में दोनों लिखते हैं। सेकेंड बोला है कि f'x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। बोला है कि f'x जो आया है ना हम लोग का वो किसी बिंदु पर शून्य नहीं है। शून्य नहीं का मतलब नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं है। फॉर इंटरवल -5.5 क्या है? फॉर इंटरवल -5.5 रोले थ्योरम इज फॉलो, रोल थ्योरम इज फॉलो, यानी कहने का मतलब ये होता है कि फॉर इंटरवल -5.5 पर जो होगा वो रोले थ्योरम क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि इतना अगर कंडीशन दिया रहेगा तो हम वहां पर रोले थ्योरम को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये लिखिए अंतराल -5.5 रोले के प्रमेय के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखे अब इसी पर बनाए हैं कि एफ ए बी, इसको ए मान लिए और इसको का मान लिए बी मान लिए, तो क्लोज इंटरवल है क्लोज इंटरवल एफ ए बी में फलन क्या है, संतत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ए बी में फलन क्या है, अवकलनीय है। भी जानते हैं कि एफ ए बी में फलन क्या है, अवकलनीय है, तो एफ इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए कॉमा बी। और सी है कि एफ ए इक्वल बी, याद रखिए हम जानते हैं कि एफ ए इक्वल बी कब होता है, जो फंक्शन डैश सी का मान क्या होता है, जीरो होता है। हम जानते हैं कि एफ ए इक्वल बी कब होता है, जो फंक्शन डैश सी का मान जीरो होता है, और जब ऐसा होता है तो सी बिलोंग करता है ए कॉमा बी में, सी बिलोंग करता है किसमें, ए कॉमा बी में। उसको जब ऐसा होगा तब, किंतु यानी कि बट, किंतु एफ डैश सी नॉट इक्वल जीरो, याद दिया है कि एफ डैश इज नॉट इक्वल जीरो, तो यहां भी कहा जाएगा एफ डैश सी नॉट इक्वल जीरो, तो एफ ए नॉट इक्वल एफ बी हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू -5 है और नॉट इक्वल ए बी का वैल्यू क्या 5 है, दैट इज प्रूफ। इसको हम का के प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग जानेंगे कैसे इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रॉले थ्योरम का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए हैं वही आप लोग का वीडियो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये आपको बुक में है, इसको बता दिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि एफ संतत है तथा आपका लिए
आने बोल दिया कि एफ संतत है, तो जो फंक्शन संतत होता है वो अवकलनीय भी होता है, ठीक है। सेकेंड बोला है कि किस फंक्शन डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो फंक्शन डैश एक्स जो है किसी बिंदु पर जब शून्य नहीं है तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा। फॉर इंटरवल माइनस पांच कॉमा पांच कॉमा रॉले थ्योरम इज फॉलो, मतलब ए माइनस पांच कॉमा पांच पर जो रॉले थ्योरम का करेगा फॉलो करेगा, ओके। तो अंतरण माइनस पांच कॉमा पांच रॉले के लिए, रॉले के प्रमेय के लिए क्या आवश्यक है, अब इसको हल किए हैं, ठीक है। एक कंडीशन कब होता है, जब एफ इक्वल बी होगा और फंक्शन डैश सी इक्वल जीरो होगा, तो सी बिलोंग करता है ए कॉमा बी में, बट फंक्शन डैश सी नॉट इक्वल जीरो है, तो क्या करें, एफ ए नॉट इक्वल ए बी हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर का होगा थर्ड। अब हम लोग का एक आएगा, जिस प्रकार हम लोग रॉले थ्योरम को पढ़े थे उसी प्रकार हम लोग का आएगा लैग्रांजे के माध्यमान प्रमेय। लैग्रांजे के कौन प्रमेय आएगा, माध्यमान प्रमेय। तो बोला है कि लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, मान लेते हैं कोई हमारे पास एफ फंक्शन है और एफ जो है एलिमेंट किसका है, आर का। एफ किसका एलिमेंट है, आर का। हिंदी वाले लिख सकते हैं, माना कि एफ एक्स एक फलन है जो एफ ए बी कॉमा एलिमेंट आर है, तो इतना हिंदी लिख दीजिएगा आप लोग, इंग्लिश वाले लिखे है यदि लिखिएगा यदि, ओके इतना लिख लीजिए, वो हिंदी में लिख दिए जो आप लोग को एक प्रॉब्लम था, यदि के बाद अब ये लिखिएगा कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए कॉमा बी। और जैसे आप लोग रोले थ्योरम पढ़े थे, इसमें भी दो रूल हम लोग का फॉलो होगा, फर्स्ट रूल फॉलो हो जाएगा, सेकेंड रूल फॉलो हो जाएगा। इसका थर्ड रूल क्या करेगा कि इसमें फंक्शन डैश इक्वल जीरो होकर सी का वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब फंक्शन डैश इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सी के वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इसमें भी जो होगा हम लोग का जो सी बिलोंग करेगा है ना, लिख लीजिएगा सी बिलोंग ए कॉमा का होगा बी, और सी जो होगा बिलोंग करेगा ए कॉमा किसमें, बी में, ठीक है। तब बोलेंगे कि हमारा क्या है, लैग्रांजे थ्योरम है, ओके। तो जो इस रूल को फॉलो करेगा वो तब सी का वैल्यू निकालेंगे और बोले को लैग्रांजे थ्योरम है, तो दोनों आता है, बोले को रॉले थ्योरम को और लैग्रांजे थ्योरम को क्या करें, प्रूव करें, ओके समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम इस पर बता रहे हैं, लैग्रांजे प्रमेय का ग्राफ है, लैग्रांजे माध्यमान प्रमेय है, माध्यमान प्रमेय शॉर्टकट में बोलेगा, तो लैग्रांजे माध्यमान प्रमेय का जो हम लोग का मान लेते हैं ए और बी बिंदु है, हमारे पास पी एक स्पर्श एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो जो हम लोग का जो सी का जो वैल्यू आएगा इसमें भी वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। और एक ग्राफ यहाँ भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग लैग्रांजे प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, और लैग्रांजे प्रमेय को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे देखिएगा, ओके। इस ग्राफ को आप लोग क्या करिएगा, उसके नीचे उतार दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं, ओके। कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बाबू, 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 है हम यहां पर लिख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में फंक्शन एक्स इक्वल एक्स ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, जहां ए इक्वल 1 और b इक्वल
ए इक्वल वन और बी इक्वल क्या है हम लोग का फोर है। ओके तो इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है कि लैग्रांजियन थ्योरम है कि नहीं। तो सेम टू सेम उसी के जैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें वही बात करें कि ए हम लोग का क्या है, बहुपदीय फलन है। याद रखिए जो बहुपदीय फलन होता है वो संकत और अवकलनीय दोनों होता है, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। ठीक है तो पहला हम लोग लिखेंगे चूंकि यह बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है इसलिए इसमें इंग्लिश लिख रहे हैं hence it is a polynomial function कौन फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। सो पहला हम लोग का कंडीशन क्या है वालों कि फंक्शन x बंद अंतराल ए का मान वन है बी का मान चार पर संतत है। क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1, 4। ओके सेकेंड थिंग्स दिया है कि फंक्शन एक्स खुला अंतराल 1, 4 पर अवकलनीय है, 1, 4 पर अवकलनीय है। फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 4। ओके थर्ड पॉइंट में हम लोग को निकालना है, यहां पर बोल सकते हैं कि यहां एफ ए नॉट इक्वल होता है ए बी थर्ड, तो एफ ए नॉट इक्वल एफ बी होता है तो ऐसा आना चाहिए एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, तब लिखेंगे एफ ए नॉट इक्वल एफ बी। ओके तो एफ ए ए का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 है और नॉट इक्वल बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हम लोग का 4 है। मान पुट किया जाए तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है ना वो? ओके और यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 ये कितना, 1 माइनस 4 माइनस 3 16 माइनस 3। ओके ये माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये नॉट इक्वल है ना। ओके या लिख सकते हैं दैट इज एफ ए इक्वल का वैल्यू कितना, माइनस 6 हो जाएगा और ए बी इक्वल का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। जो यही निकलेगा नॉट इक्वल आएगा तो ही एफ ए का वैल्यू माइनस 6 और एफ बी का वैल्यू माइनस 3। अब लिखेंगे नाउ में हम लोग क्या है कि फंक्शन एक्स इक्वल फिर एक्स ए स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इसका डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है x है तो क्या हो जाएगा फंक्शन डैश x इक्वल क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 ये 0 बन जाएगा, फंक्शन डैश x इक्वल 2x माइनस क्या बन जाएगा 4। क्लियर है, इसका डैश निकाल दिए ना बाबू, हम लोग डैश निकाल दिए। चलिए अब इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं, अब लिखेंगे किंतु फंक्शन डैश सी इक्वल फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए बाई बी माइनस ए। ओके तो फंक्शन डैश सी का कारण क्या है कि जो हम लोग का एक्स है ना वहां सी बैठा देना, माइनस 4 ए बी का मान माइनस 3 है
अब माइनस सिक्स बटा में एक इतना फोर माइनस वन मिल जाएगा, तो टू सी माइनस फोर इक्वल एक थ्री हो जाएगा, अब आई थ्री, तो टू सी इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, टू सी माइनस फोर इक्वल वन एंड टू सी इक्वल फाइव, इसलिए सी इक्वल फाइव आई का वैल्यू टू। जो फाइव बाई टू आया है वो क्या ए और बी के बीच में है कि नहीं, मतलब एक और चार के बीच में है कि नहीं। देखिए दो पांच बटा दो का मतलब 2.5 आधा अढ़ाई हो गया, तो क्या इसमें अढ़ाई जो हाफ वन बाई टू हाफ टू, तो इतना हम लोग आया, तो इसके बीच में है ना, क्या लिखेंगे, अतः लेग अतः लेग राजे लेग राजे माध्यमान परलय सत्यापित है, अतः लेग राजे माध्यमान परमय क्या है सत्यापित है। ओके, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है बनाना है, कही माध्यमान परमेय को सत्यापित कीजिए, तो आप जैसे आप लोग रोले थ्योरम है वैसे माध्यमान परमेय है, बस डिफरेंस यही है यहाँ एफ ए इक्वल ए बी उसमें आता था, एफ नॉट इक्वल बी आया है, तो ए हो जाएगा ए का एफ ए का वैल्यू माइनस सिक्स हो जाएगा और ए बी का वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगा ना, ये इसीलिए है अरे हल के सी का वैल्यू जो बिलोंग करना चाहिए ए और बी के बीच में है ना, तो आप लैंगराजे माध्यमान परमेय का सत्यापित सत्यापित है। ठीक है, दस क्या लिख सकते हैं, दस डॉट द रॉले थ्योरम इज फॉलो, दस डॉट द रॉले थ्योरम इज फॉलो, ये रॉले थ्योरम को क्या करता है फॉलो करता है, सॉरी दस द लैग्रांजे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो इज फॉलो। ठीक है, ये लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है फॉलो करता है। ओके चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, फाइव का, इसी का हम क्वेश्चन नंबर अब हल करेंगे फाइव। ओके चलिए, इसको मिटा रहे हैं, फाइव क्वेश्चन बोला है इसका, माध्यमान परमेय को सत्यापित करें, माध्यमान परमेय को सत्यापित करें माध्यमान परमेय को सत्यापित करें यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स इक्वल एक्स ए स्क्वायर माइनस एक मिनट एक्स क्यू है एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जहां ए इक्वल वन और बी इक्वल क्या है बी इक्वल क्या हम लोग का थ्री हो गया फंक्शन डैश इक्वल जीरो के लिए सी बिलोंग 1.3 हो गया को ज्ञात कीजिए। ओके को ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का फाइव है, इसमें दो कंडीशन हो गया, दो क्वेश्चन बन गया, एक बोला है कि माध्यमान परमेय को सत्यापित किए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है इफ इंटरवल इतना पर में फंक्शन एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जहां ए इक्वल वन बी इक्वल थ्री, इतना पहले लैग्रांजे थ्योरम को प्रूफ कर लेना है, पहले किया जाए, पहले की चुकिया बहुपदीय फलन है यही सोल्व है इसका, चुकिया बहुपदीय फलन है हेंस इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, सो इसलिए
अंतराल यहाँ चेंज कर देना है, 1-3 का देना है और यहाँ भी 1-3 कर देना है। ओके, यहाँ एफ ए नॉट इक्वल एफ बी करना है, इसको हम चेंज करें यहाँ पर अब। ओके, तो ए और यहाँ 3 है, एक्स क्यूब पुट करना है, तो 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, यहाँ नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। ओके, 1 माइनस 5 माइनस 3 नॉट इक्वल, ओके 27 हो जाएगा, और इन 9 से 45 माइनस 9, 9 से 45 माइनस कितना बन देगा 9, एक मिनट, 27 9 से 45 माइनस 9 3 के 9 हो जाएगा, तो 45 कितना ये हो जाएगा 1 माइनस 8 नॉट इक्वल ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 में से 45 घट गया 18, और 18 में से 18 और 18 9 27, ए माइनस कितना बन जाएगा 27, तो इक्वल है ना बाबू, नहीं है। ओके, तो यहां लिखेंगे -7 नॉट इक्वल -27, एफ ए इक्वल -7 और ए बी इक्वल -27, -27 क्लियर है, सेम टू सेम उसी के जैसा हम लोग को हल करना है। ये हल किया जाए, अब इसका डीसी लिया जाए, तो हम लोग का डीसी यहाँ काट दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन लिया जाए ना, तो लिखेंगे नाउ फंक्शन x इक्वल x क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, डी सी डब्ल्यू आर टी और का x है, फंक्शन डैश x इक्वल 3x² माइनस 10x माइनस 3, क्लियर है। और यहां लिखा जाएगा, इसको भी मिटा दिया जाए, ओके चलिए, किंतु फंक्शन डैश इक्वल 0 इतना होता है, तो फंक्शन डैश इसका क्या हो जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल ए बी का मान कितना है, माइनस 27 है, और ये माइनस कितना है, माइनस 7 है, अपॉन ए कितना है 4 माइनस 1, क्लियर है, 3c² माइनस 10c माइनस 3 और ये हो जाएगा -20, अब बटा -20 बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा, -20 बाई हम लोग का क्या हो जाएगा 3, ओके -20 बाई क्या बन जाएगा, तो ये हल कर रहे हैं हम लोग, ओके कितना 4 में से माइनस 1 घटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3s² माइनस 10c माइनस 3, और इसको जब हम लोग बुलाएंगे अगर, तो एक मिनट, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो माइनस 10 होगा, ओके 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल 0, 3c² माइनस 10c प्लस का हो जाएगा 7 इक्वल 0, ओके क्लियर है। अब इसका हम फैक्टराइज किया जाए ना बाबू, इसे गुणनखंड किया जाए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, जब फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 3c² माइनस 10c प्लस c इक्वल का होगा 0, तो क्या हो जाएगा, 3c माइनस 7c माइनस 7 प्लस 7 इक्वल 0, 3c का कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस 1, यहाँ 7 का कॉमन लेंगे सी माइनस 1 इक्वल 0, एक मिनट, यहाँ सी माइनस 1 और यहाँ 3c माइनस 1 इक्वल का होगा 0, 3c माइनस 7 दो पार्ट किया जाए, सी माइनस 1 इक्वल 0 सी इक्वल 1, 3c माइनस सी इक्वल 0 सी इक्वल 3c इक्वल 7, तो ये हो जाएगा 7 बाई 3, ये हम लोग का फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ए जो है हम लोग का ए और बी के बीच में नहीं आया है, हम लोग कौन करेगा सी बाई का
सी इक्वल 3/ का बन जाएगा, 7 फॉलो करेगा। ओके क्लियर है, तो देख लिए कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ लिख दिए कि अतः फलन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 5x² - 3x एक्स बिलोंग 1, 3 के लिए मध्यान फलन में सत्यापित हो जाती है और फंक्शन डैश सी इक्वल 0 के लिए सी का वैल्यू 7/ का है 3 है। इंग्लिश में वही बात लिख दी, हेंस फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 5x² - 3x एक्स बिलोंग 1, 3 इंटरवल में द मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द वैल्यू ऑफ सी इक्वल कैलकुलेशन को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके कैलकुलेशन को हम हल करेंगे। ओके चलिए तो क्वेश्चन में हम बात करेंगे 6 का। तो छठा क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। अनुपयोगिता की क्या करना है, जांच करना है। ओके तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसका 3 क्वेश्चन दिया है उसमें 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट, महत्तम क्रम किसको बोलते हैं ना, ओके के लिए x belong 5, 9। तो इसको सोल्व करेंगे, चूंकि यहां बहुपदीय फलन है नहीं है। ओके तो चूंकि यहां बहुपदीय फलन नहीं है इसलिए लैग्रांजियन प्रमेय सत्यापित नहीं है। आपको बताया था कि बहुपदीय फलन जो होता है, महत्तम पूर्णांक जो होता है वो बहुपदीय फलन नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि यह बहुपदीय फलन नहीं है इसलिए लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। Therefore, it is not polynomial function, does not follow the Lagrange's theorem, Lagrange mean value। ओके तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 6, जो क्वेश्चन बोला था इसमें 6 का फर्स्ट है। ओके चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन इसी का 6 का सेकेंड भी यही दिया हुआ है, बस चेंजिंग क्या है हम लोग का, यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया है। यहाँ वैल्यू क्या चेंज किया है, यहाँ वैल्यू हम लोग का जो दे दिया हुआ है वो क्या है, -2 और 2। बस यही है क्वेश्चन 6 का सेकेंड क्वेश्चन। चूंकि यहाँ बहुपदीय फलन नहीं है इसलिए लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं है, लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं है। Therefore, it is not polynomial function, does not follow the Lagrange mean value theorem. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ओके चलिए अब इसका थर्ड, इसके थर्ड क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं। थर्ड है कि x² - 1 के लिए x एलिमेंट 1, 2। ओके यहां लिखेंगे कि चूंकि यह बहुपदीय फलन है, इसलिए लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, लैग्रांजियन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। Therefore, it is polynomial function,
दैट फॉलो द सो इट इज फॉलो द लैग्रैंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। इसलिए यह लैग्रैंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करता है, सत्यापित करता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं कैसे, फंक्शन x इज ए कंटीन्यूअस एट इन इंटरवल इन इंटरवल इन इंटरवल वन टू। ओके, तो यहां लिखे रहेंगे कि फंक्शन x बंद अंतराल बंद अंतराल बंद अंतराल। ओके, बंद अंतराल क्या है, बंद अंतराल बाबू, बंद अंतराल वन टू पर संतत है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फंक्शन एक्स इज ए डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन इंटरवल इन इंटरवल वन टू। ओके, फंक्शन एक्स खुला अंतराल खुला अंतराल एक दो पर अवकलनीय है। अगर एफ ए नॉट इक्वल ए बी एफ ए नॉट इक्वल ए बी होता है, एफ ए नॉट इक्वल ए बी तो एफ ए, तो ए का वैल्यू कितना है वन, नॉट इक्वल इसका वैल्यू कितना है टू। ओके, क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, वन का स्क्वायर माइनस वन और यहाँ टू का स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो जीरो और यहाँ थ्री हो जाएगा, तो एफ ए इक्वल जीरो हो जाएगा और एफ बी इक्वल का हो जाएगा थ्री हो जाएगा। निकल गया, एफ ए इक्वल जीरो और एफ बी इक्वल का बन जाएगा हम लोग का थ्री। ओके, क्लियर है, जब है किसको प्रूफ कर रहे हैं, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पर। अगर लिखेंगे नाउ नाउ फंक्शन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या एक्स है, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, फंक्शन डैश एक्स इक्वल क्या बन जाएगा टू एक्स। ओके, यहां लिखेंगे किंतु मतलब बट फंक्शन डैश इक्वल फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए, तो इसका कहना है कि जो हम लोग का सी या ए डिफरेंशिएशन आया फंक्शन डैश एक्स के जगह प्रकार रखने सी, यहाँ टू सी बन जाएगा ना बाबू, और यहाँ थ्री माइनस जीरो और यहाँ टू माइनस का हो जाएगा वन, टू सी इक्वल थ्री वन हो जाएगा, टू सी इक्वल थ्री, इसलिए सी इक्वल थ्री वाई का हो जाएगा। ओके, तो जो सी का वैल्यू जो है ना वो क्या ए और डी के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं है ना, तो क्या लिखेगा थ्री बाई टू बिलोंग वन कॉमा। ओके, तो यही हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर छह। तो क्वेश्चन नंबर छह में बोला है कि जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो दो दिया है तीन क्वेश्चन उसको माध्यमांक प्रमेय से क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इस तरह से हम लोग का जो रॉले थ्योरम और लैग्रैंजियन मीन वैल्यू थ्योरम था वो हम लोग का क्या हुआ, समाप्त हो गया। ये दोनों साइंटिस्ट है और दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने रूल को फॉलो किए थे। ओके, अब इसके बेसिस पर हम आप लोग को केसेस ना से कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं जो आप लोग को होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, जो आप लोग क्या कर लीजिएगा, होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं केसी सिन्हा से, लैग्रैंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से। क्वेश्चन इसका है केसी सिन्हा बोला है कि निम्नलिखित फलनों के लिए
निम्नलिखित फलनों के लिए, निम्नलिखित फलनों के लिए, फलनों के लिए लैग्रांजे, लैग्रांजे के माध्यमांक, लैग्रांजे के माध्यमांक प्रमेय को, प्रमेय को सत्यापित करें, सत्यापित करें, वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई मेन वैल्यू थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इन वन जीरो वन। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स है, एक्स माइनस सिक्स और एक्स माइनस नाइन, नाइन इन थ्री कॉमा फाइव। एक और क्वेश्चन है आप लोग का, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री टू और एक्स माइनस का है इन क्या है बाबू, वन फोर। ओके, और एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इन टू और का है फोर। ओके, तो ये हम लोग का चार क्वेश्चन दिया है और चारों क्वेश्चन में बताना है कि वो माध्यमांक प्रमेय है कि नहीं, माध्यमांक प्रमेय है कि, तो इसमें आंसर सी का वैल्यू 1/3 है और इसमें जो है, इसमें जो सी का वैल्यू इसमें भी 3 है, इसमें सी का वैल्यू 3 है और इसमें सी का जो वैल्यू हम लोग का आया है वो क्या है, 6 √39 कितना बदल गया, 3a। ओके, इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन को हल कर दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, देखिएगा। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को थर्ड को हल कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। ओके, चल तो पहले इसको हम हल कर ले रहे हैं, इसको पूरा हम लोग पॉलिनोमियल में डाल दे रहे हैं कि पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल, देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ एक्स माइनस का है थ्री, एफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और इन टू एक्स माइनस का बन जाएगा थ्री। ओके, क्लियर है, अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स फिर टू एक्स माइनस छ हो जाएगा, क्लियर है ना, टू एक्स माइनस छ। ओके, अब एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स स्क्वायर और उसके बाद क्या है, 9 × 11 हो जाएगा आप प्लस का हो जाएगा 6। तो मेन हम लोग का क्वेश्चन ए बन गया, क्या हो जाएगा तो लिखिए यहाँ
इट इज हेंस इट इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन इट इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन आता है चूंकि या बहुपदीय फलन है इसलिए बहुपदीय फलन है इसलिए इसमें नंबर ए बी सी डाल दे रहे हैं ठीक है तो लिखिए फंक्शन एक्स वन अंतराल क्या है वन अंतराल इसका दिया होगा वन अंतराल एक चार में पर संतत है एक चार पर संतत दूसरा है इंग्लिश लिख लीजिएगा सेम टू सेम वही है एफ एक्स फूलांतराल इंग्लिश हमेशा हर एक क्वेश्चन ऊपर लिख के वैसे लिखना है फूलांतराल 1.4 पर अवकलनीय है सीन करेंगे तो एफ ए नॉट इक्वल एफ बी तो ए का वैल्यू हम लोग का कितना है तो ए का वैल्यू जो हम लोग का 1 है और एम नॉट इक्वल इसका वैल्यू क्या है 4 है ओके अब इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे तो 1 का क्यू माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ जब हल किया जाए तो 4q माइनस 6 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 प्लस 6 ओके तो 1 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 11 प्लस 6 तो 6 से 6 तक जाएगा 12 हो जाएगा ओके और इसको देखिएगा 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 6 96 हो जाएगा 11 6 44 हो जाएगा और प्लस का होगा 6 क्लियर है तो इसको जब हल किया जाएगा इसको जब हल किया जाए तो 64 यानी 108 हो जाएगा 108 है 6 14 6 4 10 4 14 के 4 और 4 6 10 11 114 माइनस 96 तो 12 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा ये हट जाएगा कि 14 8 यानी 8 हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा और यहाँ 10 18 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 ओके एफ ए इक्वल 18 एफ ए इक्वल 12 हो जाएगा और एफ बी इक्वल कितना बन जाएगा 18 हो जाएगा क्लियर है देख लिया जाए आगे 4 का क्यूब 64 चौ के 16 6 96 44 प्लस 6 क्लियर है ना चलिए अब इसको आगे हल किया जाए अब इसका हम लोग क्या करेंगे नाव यहां लिखेंगे नाव एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x प्लस क्या है 6 डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है x तो फंक्शन डैश x इक्वल कितना हो जाएगा ए फंक्शन डैश 3x² माइनस 12x प्लस 11 0 तो फंक्शन डैश x इक्वल 3x² माइनस 12x प्लस 11 क्या लिखेंगे किंतु फंक्शन डैश इक्वल 0 है तो फंक्शन डैश इक्वल 0 ओके तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल 0 नहीं है या एफ बी माइनस एफ ए होता है अब बटा में बी माइनस ए ओके तो याद रखिएगा ए बी का मान कितना है 18 माइनस 12 है और यहाँ क्या है 4 माइनस 1 है 3c² माइनस 12c प्लस 11 और ये कितना हो जाएगा 6/12
थ्री, तो थ्री सी स्क्वायर माइनस बारह सी प्लस ग्यारह माइनस टू इक्वल जीरो, थ्री सी स्क्वायर माइनस बारह सी प्लस नाइन इक्वल जीरो। तो हम लोग कितना हो जाएगा बाबू, नतीस सत्ताईस, तो थ्री सी स्क्वायर माइनस नाइन सी माइनस थ्री सी प्लस नाइन इक्वल जीरो। ओके क्लियर है, देख रहे हैं कैसे इसको हल किया जा रहा है, आ रहा है समझ में, इसको इरेज कर दे रहे हैं यहां से। तो थ्री सी का कॉमन लेंगे तो थ्री सी माइनस वन हो जाएगा, थ्री सी माइनस थ्री हो जाएगा, क्लियर है, थ्री सी माइनस थ्री, और यहां माइनस तीन का फिर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री सी माइनस थ्री इक्वल जीरो, थ्री सी माइनस थ्री, थ्री सी माइनस थ्री हो जाएगा, एक मिनट, यहां बारह तीन, तीन का कॉमन लेंगे तो सी माइनस थ्री हो जाएगा, यहां सी माइनस थ्री, तो थ्री सी माइनस थ्री और इंटू सी माइनस थ्री इक्वल जीरो, दो भाग करेंगे, थ्री सी माइनस थ्री इक्वल जीरो, थ्री सी इक्वल थ्री, इसलिए सी इक्वल वन, सी माइनस थ्री इक्वल जीरो, सी इक्वल का होगा थ्री। तो ए भाई हम लोग काम नहीं करेगा क्योंकि ए जो है इसलिए क्योंकि यहाँ वन सी, यहाँ लिखिएगा वन कॉमा फोर ना, नॉट बिलोंग, बट सी मन थ्री एलिमेंट वन कॉमा फोर, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 5.8 का हो गया समाप्त हो गया, और लैग्रांजे थ्योरम और रोले थ्योरम हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग कल से जो पढ़ेंगे अध्याय पांच पर विविध प्रश्न वाली है ना, और उसके बाद हम लोग छह चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।